जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका भारत वर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 JCERT संस्कृत टेक्स्ट बुक में द्वादश पाठ त्रायाधुर्थ इस पाठ को हिंदी माध्यम में समझेंगे। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम यह पाठ हिंदी भाषा में समझ लेते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में 3 धूर्थ की कथा दी गई है कि किस प्रकार 3 धूर्त अपने 3 प्रश्न पूछते हैं और किस प्रकार ख्वाजा नसरुद्दीन उनके तीनों प्रश्नों का विवेकपूर्ण उत्तर देते हैं। तो बच्चों, एक गांव में 3 धूर्त रहते थे। वे ग्राम ग्राम घूमते थे। इसी तरह वे घूमते घूमते ख्वाजा नसरुद्दीन के गांव में भी आते हैं। पहला धूर्त बोलता है कि हम कितने चतुर हैं। देखिए बच्चों, धूर्तों की सबसे बड़ी यहाँ पे प्राणी की पहचान इस प्रकार होती है कि वह अपनी तारीफ स्वयं से करता है। तो यहाँ पे प्रथम बोलता है कि वयम त्राया चतुरा, हम तीनों चतुर हैं, बहुत ही ज़्यादा चालाक हैं। तो जो खुद की प्रशंसा करता है वो कभी भी चालाक नहीं होता, वो हमेशा मूर्ख ही होता है। तो अपनी प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिए। इसमें से दूसरा धूर्त होता है, वो उसके हाँ में हाँ मिलाता है, बोलता है कि हाँ हम तीनों बुद्धिमान हैं और हमारे प्रश्न इतने कठिन होते हैं कि कोई भी उसका उत्तर नहीं दे पाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, सभी से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा धूर्त बोलता है कि हम प्रतिदिन यहाँ वहाँ घूमते हैं, सभी से प्रश्न पूछते हैं, लेकिन कोई भी हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता। इसमें से पहला बार धूर्त बोलता है कि अब हम लोग ख्वाजा नसरुद्दीन के गांव में आए हैं। मैंने सुना है कि ख्वाजा नसरुद्दीन बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है। द्वितीय बोलता है कि तो चलो आज ही उसके घर चलते हैं और उसके बुद्धि कौशल की परीक्षा लेते हैं। तृतीय मूर्ख बोलता है कि चलो हम भी उनसे अपने प्रश्न पूछेंगे। फिर तीनों धूर्त नसरुद्दीन के घर जाते हैं। उसी समय नसरुद्दीन अपने गधे को लेकर अपने घर से बाहर निकल रहे थे। नसरुद्दीन तीनों को देखकर बोलते हैं कि तुम्हारा स्वागत है। तीनों मूर्ख बोलता है धन्यवाद। अब फिर नसरुद्दीन उनसे पूछते हैं बच्चों कि प्रातः काल आपके यहाँ आने का कारण क्या है। मैंने आप लोगों के बारे में सुना है कि आप गांव-गांव घूमते हैं, गांव में सभा करते हैं और अपने प्रश्न रखते हैं, परंतु कोई भी आपके उत्तर प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता है। प्रथम मूर्ख बोलता है कि आपने बिल्कुल सत्य सुना है। द्वितीय मूर्ख बोलता है कि हम भी आपसे यह प्रश्न पूछना चाहते हैं, परंतु हमारे प्रश्नों का उत्तर आप भी नहीं दे पाइएगा। नसरुद्दीन बोलते हैं परंतु ईश्वर की कृपा से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर मैं ना दे पाऊं, मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। तो पहला प्रश्न पूछता है पहला मूर्ख कि भूमि यानी इस पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है। नसरुद्दीन साहब बोलते हैं कि मेरा गधा जहाँ खड़ा है, गधे के मध्य में जो भी भूमि है वही इस पूरी पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप क्या कीजिए, पूरे पृथ्वी को नाप लीजिए, आप संतुष्ट हो जाइएगा। द्वितीय मूर्ख बोलता है कि आकाश में कितने तारे हैं। नसरुद्दीन जी बोलते हैं कि मेरे गधे के शरीर में जितने भी बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। विश्वास नहीं है तो आप अभी इसे गिनना शुरू कीजिए। फिर तीसरा जो धूर्त होता है वो पूछता है कि मेरे मूछ में कितने बाल हैं। नसरुद्दीन जी बोलते हैं ठीक उतने ही बाल हैं जितने कि मेरे गधे की पूछ में हैं। फिर तृतीय धूर्त बोलता है कि प्रमाणित कीजिए कि यह सत्य है। तो नसरुद्दीन साहब बोलते हैं कि विश्वास नहीं है तो आप क्या कीजिए, आप अपने मूछ के एक एक बाल को उखाड़िए और मैं अपने गधे के पूंछ के एक एक बाल को उखाड़ता हूँ और फिर दोनों एक साथ रखिए, और आप को फिर से विश्वास ना हो तो आप एक बार और गणना कर लीजिए। तृतीय धूत डर जाता है, वो बोलता है नहीं 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 क्षमा कीजिए, हम हार गए आप जीत गए। फिर वे तीनों चल जाते हैं।
तो ये थी इसकी कथा। चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर को करते हैं। पहला प्रश्न, आप सभी को संस्कृत शब्दों के हिंदी अर्थ बताए गए हैं, तो आप उसे पाठ्यपुस्तक से पढ़िएगा। दूसरा प्रश्न, आपको यहाँ पे लिखा गया है अधोलिखितानि पदानि उच्चारयत, उच्चारण करना है। तीसरा प्रश्न यहाँ से हमें अभ्यास के तौर पे दिया गया है, जिन्हें हमें कॉपी में नोट करना है। तो चलिए बच्चों नोट करना शुरू कीजिए। तीसरा प्रश्न दिया गया है मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूर्यत, मंजूषा से अव्यय शब्द को चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। तो यहाँ दिया गया है वयम अत्र तत्र भ्रामम, हम यहाँ वहाँ घूमते हैं। तो हम कब घूमते हैं, यहाँ पे मंजूषा में उचित अव्यय शब्द है प्रतिदिनम, तो लिखेंगे यहाँ प्रतिदिनम, कि वयम प्रतिदिनम अत्र तत्र भ्रामम, हम प्रतिदिन यहाँ वहाँ घूमते हैं। खा यहाँ पे दिया गया है भूमे केंद्र बिंदु अस्ति, भूमि का केंद्र बिंदु है, प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न में क्या पूछेगा, कहाँ है, जो यहाँ पे पहला धूर्त होता है वो प्रश्न पूछता है कि भूमि केंद्र बिंदु कुत्र अस्ति, भूमि का केंद्र बिंदु कहाँ है। तीसरा यहाँ पे दिया गया है तस्य गृहम चलाम, तो यहाँ पे उचित अव्यय शब्द है बच्चों अद्य, कि आज उसके घर चलते हैं। किसके घर चलते हैं, नसरुद्दीन जी के घर, वे तीनों जाने की बात करते हैं। विश्वास नास्ति, विश्वास नहीं है गणना कुरु, तो यहाँ पे चेत गुणना कुरु, ठीक है आप गणना कीजिए। प्रातः काले सुबह के समय सवेरे कुतः आगच्छत, यहाँ पे होगा उचित शब्द एव, कि प्रातः काले कुतः एव कुतः आगच्छत। चा दे रखा है बच्चों ते नसरुद्दीनस्य ग्रामम गच्छति स्म, तो यहाँ पे होगा एकदा, एक बार वे नसरुद्दीन के गांव जाते हैं। प्रश्न संख्या चार को यहाँ करते हैं हम लोग अधोलिखितानि प्रश्न उत्तराणि लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। त्राया धूर्ता कुत्र निवसन्ति स्म, तीन धूर्त कहाँ रहते हैं, यहाँ पे लिखेंगे त्राया धूर्था ग्रामे निवसन्ति स्म, तीन धूर्त गांव में रहते थे। ग्रामे के भ्रमन्ति स्म, गांव, और यहाँ पे गांव गांव कौन घूमता था, तो यहाँ लिखेंगे ग्रामे त्राया धूर्था भ्रमन्ति स्म, कि गांव गांव यहाँ पे तीन धूर्त घूमते थे। भूमे केंद्र बिंदु कुत्र अस्ति, भूमि का केंद्र बिंदु कहाँ है, तो बच्चों यहाँ पे हम नसरुद्दीन जी के जवाब को लिख देंगे, जो कि नसरुद्दीन जी ने जवाब दिया था उस पहले धूर्त को, लिखेंगे मम गर्दभस्य अध मध्य एव भूमे केंद्र बिंदु अस्ति, कि मेरे गधे के बीच में जो भूमि है वही इस संपूर्ण पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। नसरुद्दीन केन सह स्वगृहात निर्गच्छति, नसरुद्दीन किसके साथ गृह से बाहर आते हैं, निकल रहे होते हैं, तो यहाँ होगा नसरुद्दीन गर्दभेन सह स्वगृहात निर्गच्छति, कि नसरुद्दीन जी अपने गधे के साथ अपने घर से बाहर निकलते हैं। कति धूर्था संति, कितने धूर्त थे, तो लिखेंगे त्राया धूर्था संति, यानी तीन धूर्त थे, इस प्रकार आपको करना है। प्रश्न संख्या पांचवा दिया गया है रेखांकित पदानि आधृत प्रश्न निर्माणम कृत, रेखांकित पदों को यहाँ पे हटाकर ऐसे शब्द लिखिए जिससे कि ये वाक्य एक प्रश्न बन जाए। का दे रखा है ते ग्रामम ग्रामम भ्रमति स्म, तो यहाँ ते की जगह लिखेंगे के ग्रामम ग्रामम भ्रमति स्म, कौन गांव गांव घूमता था। अद्य तस्य गृहम चलाम, आज उसके घर चलते हैं, तो यहाँ पे होगा गृहम के जगह में कुत्र, आज तस्य कुत्र चलाम, आज कहाँ चलते हैं। वयम त्राया चतुरा, तो इसमें प्रश्न बनाएंगे वयम कति चतुरा, आकाशे तारका संति, तो इसमें लिखेंगे आकाशे का संति, आकाश में क्या है। नसरुद्दीन गर्दभेन सह निर्गच्छति, तो यहाँ गर्दभेन के जगह हम लिखेंगे केन, नसरुद्दीन केन सह निर्गच्छति, तो ऐसे आपको प्रश्न बना लेने हैं।
छठा प्रश्न यहाँ दिया गया है मंजूषा समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से समानार्थक पदों को चुनकर लिखिए। समानार्थक शब्द क्या होता है बच्चों? समान अर्थक यानी समान अर्थ वाले शब्द। इसे आप पर्यायवाची शब्द भी बोल सकते हो। जैसे कि मैं आपके सामने पूछूं, जैसे आप एक कलम से लिख रहे हो, कलम को हम लोग लेखनी भी बोलते हैं, कलम भी बोलते हैं, तो हम कलम को अन्य किस नाम से पुकारते हैं, वही उसका समानार्थक शब्द होता है। जैसे मैं आपके सामने बोलूं आकाश, तो आकाश को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? आकाश को हम लोग आसमान बोल सकते हैं, अंबर बोल सकते हैं, गगन बोल सकते हैं, अंतरिक्ष बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी आकाश के समानार्थक शब्द हैं। तो हमें इसके समानार्थक शब्द को चुनकर लिखना है। संतुष्ट, संतुष्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? तुष्ट बोलते हैं, तो तुष्ट। चतुरा, चतुरा को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे दक्षा, ठीक है, चालाक। यहाँ पे है पार्श्वे, तो पार्श्वे को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पार्श्वे यानी पास। पास को निकट बोलते हैं, नजदीक बोलते हैं, तो निकटे। भूमे, भूमे यानी पृथ्वी, धरती, मेदिनी, इला, वसुंधरा, इसको हम लोग बोलते हैं पृथ्विया। तो यहाँ पे इसे लिख देना है। प्रश्न संख्या सातवां यहाँ पे दिया गया है मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से विलोम पद को चुनकर लिखिए। विलोम पद का अर्थ है कि यहाँ पे उल्टा शब्द, जैसे दिन का उल्टा रात, बड़ा का उल्टा छोटा, ऊंचा का उल्टा नीचे, नीचा है ना, ऊपर का नीचा, ऊपर का नीचे। तो इस प्रकार हमें विलोम शब्द को चुनकर लिखना है। उत्तरम, उत्तरम यानी उत्तर देना, उत्तर, तो इसका विपरीत होगा, विलोम होगा प्रश्नम, प्रश्न पूछना। विश्वास, इसका विपरीत होगा अविश्वास। निर्गच्छति, इसका विलोम होगा प्रविशति, निकलना, और यहाँ पे प्रवेश करना। बुद्धिमान, इसका विपरीत होगा मूर्ख। तो देखिए हम मंजूषा से अविश्वास चुन लिए, प्रश्न चुन लिए, दूरे तो नहीं चुने हैं, सायकाल। तो देखिए दो शब्द यहाँ पे एक्स्ट्रा दिए गए हैं, दूरे और सायकाल। दूरे का आप लोग यहाँ पे विलोम लिख सकते हो निकटे, सायकाले का आप लोग निकट विलोम लिख सकते हो प्रातःकाल। प्रश्न संख्या आठवां दिया गया है मंजूषातः उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत। मंजूषा से उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। तो यहाँ पे आप लोग एक कहानी याद होगा, जिसमें से एक कौवा होता है, आकाश में उड़ रहा होता है तो उसे बहुत जोर से प्यास लगती है। उड़ते उड़ते उसे घड़ा दिखाई देता है, घड़े में वह नीचे जाकर देखता है तो घड़े में बहुत थोड़ा सा पानी होता है। फिर वह कंकड़ के टुकड़ों को उसमें डालते जाता है और इस प्रकार कंकड़ के डालने डालने से पानी ऊपर आता है, वह पी करके उड़ जाता है। तो वही कहानी को आपको संस्कृत में लिखा गया है। हमें उचित शब्द को चुनकर यहाँ पे भरना है। एका काका अस्ति, एक कौवा था, सा अति तृप्सिता, वह बहुत प्यासा था। सा, तो यहाँ पे भरिए जलाय इत अस्तता भ्रमति, तदा ग्रीष्मकाल कुत्रापि जलम नास्ति, काका कष्टेन अति दूरम गच्छति, तत्र सा एकम घटम पश्यति, एक घड़े को देखता है, घटे स्वल्पम जलम अस्ति, घड़े में बहुत थोड़ा पानी होता है, जलम कथम पिबामि इति काका चिंतयति, कि जल को मैं कैसे पीऊँ यह काक सोचता है। सह एकम उपाय करोति, वह एक उपाय करता है, सह शिलाखंडान आनयति, वह पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को लाता है, घट से जलम उपरि आगच्छति, और यहाँ पे घड़े का जल ऊपर आता है, काका जलम पीतवा सुखम अनुभति, यानी जो कौवा है जल को पीता है और सुख का अनुभव करता है। तो इस प्रकार आपको भर लेते हैं। तो बच्चों ये थे प्रश्न उत्तर यहाँ पे द्वादश पाठ त्रायाधुर्था के। आपको ये वीडियो समझ में आई होगी आपको प्रश्न उत्तर, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे त्रयोदश पाठ, दसमा कुत्र गता, यानी दसवा कहाँ गया, बहुत ही हास्य कथा याद दिया गया है, तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसे भी हम लोग पहले हिंदी भावार्थ को समझ लेंगे, हिंदी में इस कथा को समझ लेंगे, उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर को भी करेंगे। धन्यवाद।